भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने त्योहार का मौसम शुरू होने से पहले ही 9 सितंबर को अलग अलग कर्ज की ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की घोषणा की है। स्टेट बैंक की तरफ से इस वित्त वर्ष के दौरान ब्याज दर में ये तीसरी कटौती होगी। कर्ज की ब्याज दरों में अभी हुई कटौती मंगलवार से लागू होगी। SBI ने एक बार फिर से MCLR रेट घटा दिया है। इससे फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों को फायदा मिलेगा, उनके होम लोन सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों को तत्काल नहीं मिल पाएगा। SBI ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। SBI ने MCLR को 8.25% से घटाकर 8.15% कर दिया है। ये कटौती 10 सितंबर से लागू होगी। इसके अलावा SBI ने FD पर ब्याज दरों में भी कटौती की है। ये कटौती पिछले 15 दिनों में दूसरी बार की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब बाकी बैंक भी SBI के रास्ते पर चल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन सस्ते हो जाएंगे। आपको बता दें कि MCLR यानी मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट असल में बैंक के फंड की अपनी लागत पर बेस्ड होता है, जिसका मतलब है कि जब बैंक के फंड की लागत घटती है तो वो MCLR को घटा देता है। बैंक के मुताबिक 10 सितंबर से एक साल के लिए SBI के MCLR की दर 8.15% होगी। इस वित्त वर्ष 2019-2020 में SBI ने लगातार तीसरी बार MCLR में कटौती की है। इसके अलावा SBI ने रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर ब्याज दरों में 0.20 से 0.25% की कटौती की है। बैंक ने ये कटौती हर अवधि की रिटेल FD में की है। अब इस कटौती के बाद FD पर 6.25% का ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि MCLR घटने से होम लोन ब्याज दर या EMI पर भी अभी कोई सीधा असर नहीं होगा। असल में SBI की फ्लोटिंग रेट होम लोन इस एक साल के MCLR से जुड़ा होता है और इसमें एक साल के लिए रेट तय होता है। अगर किसी के लिए रेट अगस्त में तय हो गया और उसके बाद MCLR में बदलाव होता है तो इसका फायदा अगले साल अगस्त तक ही मिल पाएगा। SBI की होम लोन बाजार में 35% और ऑटो लोन बाजार में 36% की हिस्सेदारी है। लगातार अपील के बाद हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों को सभी लोन रेपो रेट से जोड़ने का निर्देश दिया है। RBI ने सभी बैंकों को 1 अक्टूबर से रेपो रेट के साथ होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और MSME सेक्टर के सभी प्रकार के लोन को जोड़ने के लिए कहा है। पिछले कुछ महीनों से RBI लगातार सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों से रेपो रेट के साथ बैंक लोन को जोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन कई बैंक RBI की अपील को नजरअंदाज कर रहे थे, जिसके बाद RBI को डेडलाइन के साथ निर्देश देना पड़ा है। इसके अलावा RBI ने रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क के तहत ब्याज दरों में 3 महीने में कम से कम एक बार बदलाव करने को कहा है। अब जहां एक तरफ MCLR घटने से ग्राहकों को होम लोन में फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ कम समय के लिए पैसे जमा कराने पर घटी ब्याज दरों से नुकसान भी होगा।